आखिरी सांस से गिन रहा है जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, इसलिए घिनौनी घटिया और कायराना पूर्ण घटनाएं कर रहे हैं। किसी भी सूरत में पाकिस्तान संयोजित षड्यंत्रों को, उनकी चालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और ना ही होने दिया गया था। 5 अगस्त 2019 से लेकर लगातार आतंकवाद की कमर तोड़ी है, आतंकवादी भी कम किए हैं और आतंकवादियों की संख्या भी कम की है, आतंकवादियों की आयु भी कम की है। लेकिन दो हमले, कल ईदगाह में इंस्पेक्टर को एक गोली मार दी गई, आज पुलवामा में प्रवासी की हत्या कर दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? वो अपने 60 साल के शासन का हिसाब निकालें, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं, क्योंकि उनका प्रश्न आया है कितने आतंकवादी थे उनके कार्यकाल में और निर्दोषों की कितनी हत्याएं होती थी, और आज पिछले 3-4 साल का हिसाब निकालेंगे तो लगातार आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई है, घटनाएं भी कम हुई है और निर्दोषों की हत्या करने वाले, टारगेट किलिंग करने वाले बख्शे नहीं गए। ये भी हमने करके दिखाया है, लेकिन एनसी का तो हो या पीडीपी हो या कांग्रेस हो, ये 3 दल जिन्होंने दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंक दिया था, उनसे ये पच नहीं रहा है कि आज जम्मू कश्मीर शांति विकास के रास्ते पर चलकर एक टूरिज्म कैपिटल बना है, जहां इंटरनेशनल इवेंट G20 जैसे इवेंट होते हैं, जहां तिरंगा यात्राएं निकलती हैं, जहां मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम होते हैं, जहां अब भारत का झंडा लेके नौजवान सड़कों पर निकलते हैं, ये इनसे पच नहीं रहा इतना शांति वाला वातावरण, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनसे इतना ही निवेदन करूंगा, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। अब देखिए, लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं, जो लोग हथियार लेकर देश को बर्बाद करने की कोशिश कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके षड्यंत्र निष्फल हुए हैं। हमारी सुरक्षा बलों ने वीरता के साथ काम किया है और आतंकवादियों का समूल नाश किया है, और ये क्रम रुकेगा नहीं। बहुत